नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं विशेष खबर की तरफ। शासन के निर्देश के अनुपालन में 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत आज दिनांक 12 जुलाई 2020 को मंडला यूटी एमपी अग्रवाल जनपद अंबेडकर नगर पहुंचकर नगर पंचायत इल्फातगंज मोहल्ला अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 3 में साफ सफाई का औचक निरीक्षण किए। मौके पर यो उमेश कुमार पासी उपस्थित रहे। इस दौरान मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरंतर साफ सफाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके उपरांत मंडलायुक्त का टांडा के वार्ड नंबर 1 नेहरू नगर पहुंचा। यहां पर मौके पर उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक एवं ईओ मनोज कुमार उपस्थित थे। नेहरू नगर में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। गलियों के खड़ंजा टूटा हुआ पाया गया, जिस पर नाराज मंडलायुक्त ने ईओ को कड़ी फटकार लगाते हुए खड़ंजा की मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिए। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने ग्राम मुबारकपुर के पास सरयू नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँव के बारे में जानकारी हासिल की। हालांकि अब तक बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं होने पाई है। इस दौरान मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि बाढ़ की संभावना उत्पन्न होती है तो तत्काल एवं पर्याप्त सुविधा लोगों को मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी टांडा शेख पाठक, उप जिलाधिकारी अकबरपुर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। देखिए यह रिपोर्ट। तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी उच्च अधिकारियों को कि अपने अपने जिलों में जाएं। अंबेडकर नगर जिला मुझे अलॉट किया गया, तो अभी हम आपके सामने टांडा देखते हुए आए हैं। टांडा में साफ सफाई की व्यवस्था कमी पाई गई, तो ईओ को और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो अच्छे से सफाई कराएं। और इल्फातगंज में भी वहाँ पे भी सफाई की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, छोटा वाला है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी सफाई की आवश्यकता थी। अभी आपके सामने उन्होंने बाढ़ का पॉइंट देखा है, यहाँ पे लगभग 10 गाँव बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वैसी कोई मेजर समस्या नहीं। सर, जिले अम्बेडकर नगर जिले में 2 तहसील ऐसे जो घाघरा नदी होकर बहती है और लगातार पानी बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपदा में और राहत कार्यों में क्या व्यवस्थाएं की जा रही, क्या तैयारी की जा रही है? सर, सभी को निर्देशित कर दिया गया है किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं होगी। मौका लगते ही और समय रहते ही उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तथा जो भी राहत की सामग्री है जैसे कि खाद्यान्न है वो सब उपलब्ध कराया जाएगा और किसी की समस्या नहीं। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।